गुरुवार को पूरे निमाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व की तीज का उत्साह देखने को मिला। वहीं गंधवानी में भी तीज के अवसर पर बड़ी धूमधाम से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माता की बाड़ी में माताएं अलग अलग स्वरूप में यहां पर पूजन के लिए आती हैं। गंधवानी में भक्त बाड़ी माता पूजने दूर दूर क्षेत्र से आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र में गणगौर की तीज पर माता की सारी शक्तियाँ दर्शन और पूजन के लिए आती हैं। गणगौर की तीज के दिन माता जी की बाड़ी के पट खुलते हैं, वहां पर पूजन के लिए माताएं आती हैं और माता इस कड़कती धूप में कई किलोमीटर दूर से चलकर यहां पैदल नंगे पैर आती हैं। यहां सुबह से ही पूजन का सिलसिला शुरू हो जाता है। भगत पांडे और दीपक पांडे ने बताया कि तीज के दिन शिव और पार्वती के रूप में ईश्वर जी और रणुबाई का त्यौहार गणगौर के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के क्षेत्र में गणगौर का त्यौहार काफी लोकप्रिय है। प्रातः 4 बजे से क्षेत्र की जनता पूजन के लिए यहाँ आती है और अपनी मनोकामना मांगती है। मनोकामना पूर्ण होने पर परिवार के साथ अभिषेक पूजन कर उनकी मन्नत पूरी करती है। बाड़ी माता में ज्वारों का बड़ा महत्व है। बाड़ी छोटी या बड़ी होती है इसे मौसम का अनुमान लगाया जाता है एवं धर्म के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये लोग पूजन अर्चना करते हैं। इस बार ऐसा अनुमान है कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं गंधवानी नगर में ग्राम पानवा से रथ भी निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में रथ के साथ लोगों की भीड़ देखी गई।